आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो हमारी जो वीडियो होती है काफी अमेजिंग होती है दोस्तों, और जो हमारी वीडियो होती है वो एक दोस्तों सस्ती वीडियो होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर फैन होते हैं दोस्तों वो हमें एक वीडियो सजेस्ट करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही एक आज की वीडियो है दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मिस्टर बीस्ट वांट्स टू असेक्ट इस्लाम बट। हाँ दोस्तों आप तो जानते ही होंगे और हम भी जानते हैं, जो यूट्यूबर जो मिस्टर बीस्ट है वो मारे जाने नहीं दोस्तों, ही मारे जाने यूट्यूबर है जिनकी जो उनके जो सब्सक्राइबर है वो मिलियंस में भी है, बिलियंस में भी है, इतने मतलब कि इतने फेमस है मिस्टर बी। आप उनके देखते होंगे जो उनके जो यूट्यूबर चैनल है काफी फेमस है, मिलियन मिलियंस व्यू आते हैं, और क्या उन्होंने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ दोस्तों ये काफी शॉकिंग है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों देखते हैं कि ये बात कितनी सच है या फिर ये फेक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। ताजुब की बात यह है कि सदियों से इस मजहब के फैलाव को रोकने की साजिशें चलती आई हैं और आज भी हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मजहब की शोहरत और फैलाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके उलट जो लोग कभी मजहब इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने भी आखिर में इस्लाम को ही अपना लिया। बॉक्सर मोहम्मद अली, माइक टाइसन, AR रहमान, एंड्रू टेट जैसे ऐसे सैकड़ों मशहूर नाम हैं जो कभी गैर मुस्लिम थे लेकिन इस्लाम के तालीमात से मुतासिर होकर वो मुसलमान बन गए। लेकिन दोस्तों जो खबर निकल कर सामने आ रही है और अब की बार जिस शख्स ने मुसलमान बनने का इशारा दिया है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि आज के दौर का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की, जिनके यूट्यूब पर 224 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हैरानी की बात यह है कि इस यूट्यूबर का असर अपने व्यूवर्स पर इतना है कि इसके इस्लाम अपनाने के साथ साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस्लाम को अपना सकता है। और हाल ही में अमेरिका के इस मशहूर यूट्यूबर ने इस्लाम को लेकर ऐसा क्या खुलासा कर दिया कि जिसकी वजह से दुनिया भर के मजहबी स्कॉलर में डर का माहौल है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर मिस्टर बीस्ट ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और दुनिया के दीगर मजाहिब में से किस मजहब को सच्चा मजहब कहा। ये सब मालूमात अपने इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मिस्टर बीस्ट है कौन। दोस्तों आपको बता दें मिस्टर बीस्ट एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं जिनकी शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके यूट्यूब चैनल को लगभग 224 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी इनके मुंह से निकली एक छोटी से छोटी बात का असर पूरी दुनिया पर होता है। ये यूट्यूब के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में मिस्टर बीस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान इस्लाम को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि जिसके बाद मिस्टर बीस्ट की चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो दोस्तों दरअसल हाल ही में जब एक शो के दौरान मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या वो खुदा को मानते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। ऐसे में मिस्टर बीस्ट का ये जवाब सुनकर होस्ट को ऐसा लगा कि शायद वो क्रिश्चियन हैं और इस मसले पर अपनी मजहबी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, इसीलिए आगे होस्ट ने उनसे खुलकर ये सवाल किया कि क्या वो क्रिश्चियन हैं, जिस पर मिस्टर बीस्ट ने बड़ी तेजी के साथ जवाब दिया कि नहीं, क्रिश्चियन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं खुदा को कैसे मानूं। इस पर इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने पूछा कि आपका मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं, जिसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि मेरे समझ में ये नहीं आता कि इसको कैसे किसी ने पैदा किया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने उनसे कहा कि लगता है कि आप खुद को एथिस्ट यानी मुल्हिद कहना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं मानता हो। इसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुदा का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को लेकर हैरान जरूर हूँ और ये बात मुझे समझ नहीं आती कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये रही कि जब उसी इंटरव्यू के दौरान आगे मिस्टर बीस्ट से पूछा गया कि दुनिया के सभी धर्मों में से वो खुद को किस मजहब के सबसे ज्यादा करीब मानते हैं, यानी उनको कौन सा मजहब सबसे ज्यादा पसंद है, तो दोस्तों इसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा
कि मेरा एक कैमरा मैन है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है। मैं उस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान होता हूँ। जिस शिद्दत से वो इबादत करता है और जिस ईमानदारी से वो मेहनत करता है, उसकी ये अदा मुझे इस्लाम के करीब ले जाती है। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब सुनकर प्रोग्राम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इंटरव्यू में आगे मिस्टर बीस्ट ने कहा कि दरअसल मोहम्मद तारिक बेहद ही प्रोफेशनल और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला शख्स है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी गलत आदत का शिकार नहीं है। हालांकि मेरे साथ जितनी भी टीम काम करती है, मैं उन्हें पूरी आज़ादी देता हूँ कि वो जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी मौके का कोई फायदा नहीं उठाता और हमेशा अपने किरदार की अजमत को कायम रखता है। इस पर बात करते हुए मिस्टर बीस्ट का ये भी कहना था कि मोहम्मद तारिक वक्त पर अपनी इबादत करने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखता है कि वो इस्लाम की बाकी तालीमात पर भी अमल कर सके। मैंने अपनी जिंदगी में उसे कभी शराब नोशी या इस तरह के किसी भी नशे का सेवन करते हुए नहीं देखा, जबकि ये आदत हमारे कल्चर में नॉर्मल मानी जाती है। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब शो में बैठे सभी लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था। It is admirable to see how devoted he is. So, yes. Like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. So sometimes it does make me go like, damn, like there's something there. Like he really cares a lot, you know. इस पर वहाँ बैठे लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या वो मुस्तकबिल में इस्लाम मजहब को अपनाने वाले हैं, जिसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि फिलहाल इस मसले पर मैं खुलकर कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि फ्यूचर में अगर मैंने किसी मजहब को कबूल करने का सोचा तो शायद इस्लाम ही ऐसा पहला मजहब होगा जिसे मैं कबूल करूँगा। दोस्तों, मिस्टर बीस्ट की इस बात से साफ जाहिर है कि इस्लाम तबलीग या तलवार के जोर पर कभी नहीं फैला, बल्कि मुसलमानों के अखलाक और किरदार की खूबसूरती ने गैर मुस्लिमों को इस दीन की तरफ खींचा और यही सदियों से दीन इस्लाम के फैलाव की सबसे बड़ी वजह है। इसका बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जनूबी अफ्रीका के साबिका अजीम खिलाड़ी एबीडे विलियर्स ने अपने साथी मुस्लिम खिलाड़ी हाशिम आमला के बारे में कहा था कि हमारी टीम जब भी किसी शुभम या परेशानी में होती तो हाशिम आमला बड़ी शांति के साथ नमाज पढ़ता और दुआ करता, और अक्सर मैंने देखा कि इसके बाद सिचुएशन अचानक हमारे फेवर में आ जाती। यही वजह रही कि हमारे दौर में मैं सबसे ज्यादा इज्जत हाशिम आमला की करता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस्लाम की मजहबी खूबसूरती ही इसके फैलाव की सबसे बड़ी वजह बनी। माइक टायसन, मोहम्मद अली, एआर रहमान जैसे कई मशहूर लोग हैं जिन्होंने अपने साथी मुसलमानों के किरदार से मुतासिर होकर दीन इस्लाम को अपना लिया। यही वजह है कि आज के दौर में भी मोहम्मद तारिक जैसे आम मुसलमान शख्स का किरदार और ईमानदारी मिस्टर बीस्ट जैसे बेइंतहा कामयाब शख्स को इस्लाम की तरफ खींच लाता है। आपकी मालूमात के लिए बता दें, फिलहाल तो मिस्टर बीस्ट ने अभी तक खुलकर इस्लाम नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार तो खुलकर कर दिया कि इस्लाम उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, और अगर मुस्तकबिल में वो कोई मजहब अपनाएंगे तो इस्लाम ही वो पहला मजहब होगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी और आपका मिस्टर बीस्ट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, तुमने ये वीडियो देखी ना, जो दोस्तों इसका टाइटल था ना, उसमें ये था लिखा था कि जो मिस्टर बीस्ट एक्साइटेड इस्लाम, बट दोस्तों उसमें बट भी लिखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब यही है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मतलब धर्म है वो कबूल करूंगा या एक्सेप्ट करूंगा तो दोस्तों वो इस्लाम करूंगा। हाँ दोस्तों, ये पीछे काफी फैक्ट देखे गए, हमें बताया गया कि उनका जो इस्लाम के बारे में, उनका क्वेश्चन इस्लाम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उसके आगे उसने बताया कि जो मेरे कलीग है, जो मेरे फ्रेंड है, जो मतलब वीडियो बनाते हैं कैमरा में, उनको जिक्र भी करा इस वीडियो में कि वो इस्लाम धर्म के हैं और वो जो है काफी अपने जो धर्म को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तो मैं भी देखता हूँ कि वो कितने रिस्पेक्ट से अपना नमाज पढ़ते हैं, और ऐसे ही वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि अपने दोस्तों के लिए, जिसमें बियर होती है, कुछ भी होता है, जो प्रोग्राम पार्टी होते हैं वो उनसे दूरी बना करते हैं जो उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि जो उनके जो फ्रेंड्स जितने जो मतलब के मेंबर्स हैं तो कहते हैं कि मैं उनको खुली छूट देता हूँ कि वो कुछ भी करे, चाहे पार्टी वार्टी करे, बियर वियर कुछ भी, पर जो इनके जो कैमरामैन थे वो जो मतलब जो इस्लाम धर्म के थे दोस्तों, वो इस बात का बिल्कुल फायदा नहीं उठाते और वो अपने जो काम है बस उसी में लगे रहते हैं, और कभी कोई ड्रिंक नहीं, कभी कोई उल्टे काम, कोई मतलब कोई नशे करते, कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में उनकी अच्छा ही बताई गई है। हाँ, जहाँ तक देखा जाए दोस्तों, इस वीडियो में जो बताया गया तो हमने उनकी लिपसिंग तो सुनी नहीं कि जो उनका इंटरव्यू चल रहा था कि हाँ कि उन्होंने ऐसी बातें बोली भी है या नहीं बोली, ये तो मतलब कि जो वीडियो में एडिटिंग कर रहे थे जो बंदे ने बोला है, जिसकी ये वीडियो जिस तरह से वीडियो ले रहे हैं उसने जो बातें कही है
उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम कचकाते हैं कि हाँ जैसे 200 दिन के ऊपर है, उन्होंने बताया भी कि हाँ भविष्य में अगर मुझे कोई भी धर्म एक्सेप्ट करना भी होगा तो मैं इस्लाम को करूंगा, ये बात जहां तक उन्होंने बोला भी है, रियल में नहीं बोला, मगर दोस्तों हमें तो सभी धर्मों के एक्सपेक्ट करनी चाहिए और सभी धर्म ही अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।